नेक्स्ट लास्ट टॉपिक के बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम वो सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो कि सारे तो खैर हम नहीं पढ़ेंगे, लाइक ऑब्वियसली मेजर डिसऑर्डर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे. लाइक फर्स्ट वन इज कैंसर, कैंसर डिस्कस किया हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है, एम्फिसीमा है. तो ये सारे जो है वो हम वन बाय वन इसको इनका एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या डिजीज़ है, किस तरह से होते हैं. बहुत सारी चीज़ें रेस्पिरेटरी सिस्टम में अकर हो जाती है, बहुत सारे मसले हो जाते हैं अगर जो आपके जो लंग्स की या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इनसाइड लाइनिंग अगर उसको वो एक्सपोज होगी टू अनहेल्दी एयर. अब अनहेल्दी एयर किस तरह से हो सकती है? आप जो है वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे जो एयर है वो पोल्यूटेड हो रही है और आप उसी एयर में सांस ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो टॉक्सिक मटीरियल्स होंगे, मेटल्स हैं या दूसरे कंपाउंड्स हैं, इट विल गो डायरेक्टली इन योर बॉडी विद दैट एयर. तो उस केस में जो आपकी इनसाइड लाइनिंग है इट विल गेट डिस्ट्रॉयड. या दूसरे केस में इफ़ यू टॉक अबाउट द पोल्यूशन जो कि हमारे आजकल पूरी दुनिया में फैली हुई है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो चूँकि उसमें कार्बोनिक या कार्बन के कंपाउंड्स भी हैं, लेड कंपाउंड्स भी हैं और हैवी मेटल के दूसरे कंपाउंड्स भी हैं, तो जैसे जैसे वो अंदर जाएगी तो वो अनहेल्दी एयर जैसे बॉडी के अंदर जाएगी इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज कैंसर एक्सेट्रा. अब कैंसर जो है इसकी दो क्लासेस हैं जिसमें आप या दो बेसिस हैं जिसमें आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला जो है इट इज ऑन द बेस ऑफ, पहले आप इसे कहते हैं मेटास्टेसिस. एक मेटास्टेटिक कैंसर होता है, मेटास्टेसिस उसे कहते हैं. एंड द सेकेंड इज अ लोकल इन्वेजन. मेटास्टेसिस जो है यहाँ पे इन दिस केस जो कैंसर होता है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, दे आर नॉट कन्फाइंड टू वन प्लेस, वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, दे आर स्प्रेड थ्रू ब्लड. कैंसर जो है इट स्प्रेड्स थ्रू ब्लड. जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ, और चूँकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो पूरी बॉडी में जो है वो कैंसर फैल सकता है. इन द केस ऑफ लोकल इन्वेजन, लोकल इन्वेजन मीन्स के जो कैंसर है इट विल कन्फाइंड लिमिटेड टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी. वो एक ऑर्गेन भी हो सकता है, या अगर आप अगर गॉड फॉरबिड किसी को स्किन कैंसर है तो वो स्किन तक ही रहेगा, वो स्किन के नीचे जो है बाकी इन्वेजन इसको इन्वेड नहीं करेगा, इट विल ओनली रिमेन टू द स्किन. ये क्लासिफिकेशन दिस इज जस्ट फॉर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग, चूँकि बुक में नहीं है सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. उसके अलावा दूसरी जो क्लासिफिकेशन की टाइम दैट इज सार्कोमा एंड कार्सिनोमा. दूसरी जो है वो इसमें आप कह सकते हैं सार्कोमा और कार्सिनोमा. सार्कोमा इज द टाइप ऑफ कैंसर इन विच पैरेन्काइमेटस सेल्स, उनका कैंसर होता है, और कार्सिनोमा में एपिथीलियम सेल्स होते हैं. पैरेन्काइमेटस सेल्स और कार्सिनोमा में एपिथीलियल सेल्स का कैंसर होता है. तो दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ के बॉडी में कहाँ कहाँ इन्वेजन हो रही है, एंड दिस इज ऑन द बेस ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स जहां पर वो कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इन द केस ऑफ कैंसर इट कैन ऑक्लूड रेस्पिरेटरी पैसिटीज एज द ट्यूमर प्लेसेस ऑफ लंग टिश्यू. स्मोकिंग स्पेशली इन यंग एडल्ट इज द मोस्ट पोटेंशियल. स्मोकिंग में बेसिकली कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं सच एज टार, जो कोल टार होता है या टार होता है, उसकी वजह से जैसे जैसे वो बर्न करता है तो उसके अंदर इतने पॉइजनस मटीरियल्स होते हैं जो कि जीन्स जो है लंग्स के जीन्स, लंग्स के सेल्स के जो जीन्स हैं उसमें ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, और जब उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाती है तो वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स उसी को तो हम कैंसर कहते हैं. So that means ke it is the uncontrolled division of the cells. सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिविजन्स, और इन द केस ऑफ स्मोकिंग टार की वजह से हो जाएगी, और सेल अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता कि वो दोबारा डिवाइड कर जाता है. सो रिपीटेड डिविजन्स की वजह से जो है वहाँ पे बहुत सारे मसले आते हैं, बॉडी का जो वेट है वो भी बढ़ जाता है, जहाँ पे स्पेसिफिकली कैंसर हुआ. So it is not estimated that 90% of lung cancer is caused by smoking, or there are more than 10 compounds of tar of tobacco smoke that are involved in the causing cancer. Second disease hamare paas hai tuberculosis. Tuberculosis
ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें जो आपके पास बैक्टीरिया है जो कि बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का नाम लिखा हुआ है, ये बैक्टीरिया की क्लास है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. They are involved in causing that tuberculosis या TB and pulmonary tuberculosis. Tuberculosis बहुत तरह की होती है, मैंने पहले भी कहा था pulmonary यानी कि lungs की tuberculosis, उसके अलावा जो intestine है उनकी tuberculosis होती है. So there are different types of tuberculosis. So in the case of this malnutrition and poor living conditions, ये जो है मगर प्रॉपर डाइट नहीं है और जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत पुअर है, तो दे कैन फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया और टीबी जो है वो फैल सकती है. ओके, आफ्टर दैट एस्थमा है. एस्थमा जो है ये भी इंट्रिंसिक भी जेनेटिक भी हो सकता है और इंट्रिंसिक भी हो सकता है. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एस्थमा सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एंड इट इज स्वेयर पैरोक्सिज्म ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग. Asthma could be of two types. First is the extrinsic and second is the generic. Generic जो कि genes में होता है, families में चलता आ रहा होता है, extrinsic जो है it is that के जो किसी बीमारी या किसी unhealthy condition के वजह से लगता है. Allergic reaction to pollens, spores, cold, humidity, pollution etc. होता है इसमें. The severe paroxysm of difficult breathing usually followed by a period of complete relief. The severe paroxysm. Severe paroxysm is collapsedness या आप कह सकते हैं collapsed of respiratory tract, collapse हो जाते हैं और जो सांस नहीं आता. And after that it is normal period of breathing. Spasmodic contraction of small bronchial tubes. Asthma results in the release of inflammatory chemicals such as histamine into the circulatory system that cause severe contraction of bronchioles. इसके resultantly histamines produce होते हैं. Histamines जो हैं, these are the allergy causing substances. Last is the emphysema. Emphysema is a breakdown of alveoli. The respiratory problem is more common among smokers. Emphysema jo hai, it is the breakdown of alveoli. Bit of alveoli means कि this is the alveoli, ठीक है, और ये जो है वो normal alveoli है, ठीक है. हर alveoli अलग अलग है, लेकिन in the case of emphysema ये alveoli जो है वो breakdown हो जाती हैं और एक बड़ा सा alveoli बना देते हैं. It is a big sized, one big sized alveolar sac. तो उस केस में क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है. सरफेस एरिया कम होने का हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कैपिलरीज वो कम हो जाएगी और एज अ होल पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगी. पर्सन सफरिंग फ्रॉम एम्फिसीमा कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड प्रॉपरली एंड लीस्ट एक्सर्शन. थोड़ी सी भी एक्सरसाइज होगी, थोड़ा सा भी एक्सर्शन वाला काम होगा तो इट विल मेक हिम टायर्ड और डिस्टर्बेंस आ जाएगी.